यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। प्रशासन अपनी ओर से चाहे लाख दावे कर ले पर रामपुर में खुलेआम चाइनीज मांझे की बिक्री को नहीं रोक पा रहा है, जिसके कारण लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। ताजा मामला रामपुर से है, जहां पर एक 6 साल की मासूम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो आज जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है। आपको बता दें कि हादसा रामपुर की कोतवाली सिविल लाइन के पहाड़ी गेट के पास हुआ, जब मोटरसाइकिल पर आगे बैठ कर अपने दादा के साथ बच्ची घर जा रही थी। 6 साल की बेटी हिमांशी की चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से बच्ची को लहूलुहान गंभीर हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बच्ची की हालत नाजुक बताई और बच्ची को फर्स्ट एड दिया। इसके साथ ही बच्ची को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। एक ही बच्ची आई है मांझे से, कटाने मांझे से कटी, मैंने अभी देखा इसको, मांझे से कटाया गले का आगे जैसा, ब्लड लॉस काफी ज्यादा हो गया है, पल्स इसकी बिल्कुल नाजुक है, पल्स बिल्कुल खराब है। अभी जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हो सकता है, मैक्सेल वगैरह फ्लूइड वगैरह उसको लगा के इस काबिल कर दें कि थोड़ा ये जाने की स्थिति हो, उसको मेडिकल कॉलेज में कर सकता है।